गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? बेटा एक्सरसाइज 5.3 कॉम्प्लेक्स नंबर, टॉपिक इज कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, ठीक है? इसके बाद थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि हम जानते हो, मैंने जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है? मैं क्या करना, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करके ध्यान रखना। अच्छा जी, अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है। तो सबसे पहली बात है कंजुगेट कैसे, कि कंजुगेट का मतलब क्या है? जेड का बार, जेड के ऊपर जो निशान ड्रॉ कर दिया बेटा, ये कंजुगेट के लिए रिप्रेजेंट हुआ है यहां पर। जेड का बार बोल सकते हो इसे, इसे बोल सकते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बोलते हैं जेड का बार। जेड मान लेता हूं ये ए प्लस आयोटा बी, तो जेड की जगह ए प्लस आयोटा बी पुट कर देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। जो ये यहां पर ए प्लस आयोटा बी जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है बेटा, वो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लिखा हुआ है वो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होना चाहिए। और जब मैं इसका बार निकालता हूं तो होता क्या है कि कंजुगेट, मैं बता रहा हूं कंजुगेट कैसे निकालेंगे, इसका बार कैसे निकालेंगे। इसको यूं कह सकते हो ए प्लस आयोटा बी का बार, जब कंजुगेट, इस लाइन को कंजुगेट भी बोल सकते हो, बार भी बोल सकते हो, कंजुगेट ऑफ ए प्लस आयोटा बी दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट एज इट इज आएगा बेटा। रियल पार्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो बी है उसका जो साइन है प्लस का है। इमेजिनरी पार्ट का साइन कैसा है? प्लस का, जो चेंज हो जाएगा माइनस, दैट इज द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी। तो ए प्लस आयोटा बी का कंजुगेट क्या हुआ? ए माइनस आयोटा बी। तो ए प्लस आयोटा बी का कंजुगेट होता है ए माइनस आयोटा बी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जेड बराबर माइनस टू प्लस का थ्री आयोटा, इसका कंजुगेट निकालो। कंजुगेट जब भी कहते जेड का बार, जेड का बार ही मतलब कंजुगेट है। तो माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, उस पूरे के ऊपर बार, दैट इज इक्वल टू माइनस टू। रियल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रियल पार्ट है वही दिशा चाहिए। जो इमेजरी पार्ट है, इमेजरी पार्ट यहाँ पे थ्री है, जो कि पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव में बदल जाएगा। बस दैट इज द कंजुगेट ऑफ माइनस टू प्लस थ्री आयोटा। तो माइनस टू प्लस थ्री आयोटा का कंजुगेट क्या हुआ? माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल तो मैं समझा रहा हूँ कि निकालेंगे कैसे। अब कंजुगेट होता क्या है वो बाद की बात है, फिलहाल ये देखना जरूरी कि निकालेंगे कैसे, ये ऐसे निकालेंगे, ठीक है? जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जेड इक्वल टू माइनस टू माइनस का सिक्स आयोटा, फाइंड इट्स कंजुगेट। तो मैंने जेड लिया, जेड के ऊपर बार लिखा है, इसके ऊपर भी बार लगा दिया। रियल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना, रियल पार्ट माइनस टू है जो एज इट इज आना चाहिए। साइन भी नहीं बदलेगा, जैसा साइन है वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है? लेकिन जो इमेजरी पार्ट है वो माइनस सिक्स है, वो प्लस सिक्स बदल जाएगा, प्लस का सिक्स आएगा। बस बेटा दैट इज द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कंजुगेट निकालना होता है, ठीक है बेटा? अच्छा, इतना काम करने के बाद अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन देखना क्या होती है, वो मैं समझाऊंगा। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है इज एन इमेज ऑफ of that complex number। एक complex number का जो conjugate है बेटा वो क्या होता है actually? एक complex number का conjugate क्या होता है? जो conjugate, जो complex number में given है, उस complex number की image निकाल लो, उस complex number की image ही उस complex number का conjugate कहलाती है। जो दिया गया complex number है उसकी image निकाल लो, वो image ही उस complex number का क्या कहलाती है? conjugate कहलाती है। लेकिन उससे पहले एक बात है, टू प्लस थ्री आयोटा सब बच्चे जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू प्लस थ्री आयोटा, ठीक है? इसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है।
तो पहले मैं आपको बताया तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस दुनिया में पड़े हैं, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी न किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो रियल पार्ट है उसको पहले लिखते हैं, उसका इमेजरी पार्ट है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है वो रियल पार्ट होता है जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, कहां पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। जो दूसरा पार्ट है ये वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि -2 -3 आया होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, लेकिन जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है किसी न किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा वो आएगा -2, -3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रियल पार्ट -2 पहले आएगा फिर इमेजिनरी पार्ट आएगा, क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट -3। ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट पड़ा हुआ है, ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे मैं इसको कुछ भी लिखूं, जैसे कि मैंने 0, -6 आयोटा लिख दिया, तो इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आएगा, 0, -6। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें मिलना चाहिए। ठीक है जी, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें मिलना ही चाहिए। अच्छा जी, जैसे कि -3, -5 आया था, तो इसके रिस्पेक्ट में -3, -5। इसी तरह से जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलता है, उसी तरह से हर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट के रिस्पेक्ट में, हर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट कहां कहां पड़े हुए, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पड़े हुए, एक यहां पे बहुत सारे पॉइंट पड़े हुए। ठीक है ना, उन सभी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जरूर मिलना चाहिए। तो जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट पड़े हुए इस टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पर, जहां पे एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, जितने भी पॉइंट, उन सभी पॉइंटों के रिस्पेक्ट में कम से कम एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जरूर मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं मान लेता हूं एक पॉइंट लिख देता हूं -1, -0, तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, पहला पॉइंट -1 है, दूसरा पॉइंट 0, -1 एक्स एक्सिस पे होता है और ये 0 वाला जो पॉइंट कहां पर है, वाई एक्सिस पर है। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस, तो -1 तो रियल पार्ट का काम करेगा, तो रियल पार्ट बना दो, ये 0 जो इमेजिनरी पार्ट का काम करता है, तो प्लस में इस 0 के साथ आयोटा लगाते हैं, 0 के साथ आयोटा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसी तरह से -2, -3 एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर -2 इट इज रियल पार्ट है, इट इज -3 इट इज रियल, इसके साथ आयोटा आना चाहिए। तो हर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में एक कोऑर्डिनेट पॉइंट जरूर मिलना चाहिए। तो चलो अब मैं बात करता हूं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इस डेफिनेशन को फॉलो करें तो हमें क्या मिलता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं, उसका कंजुगेट निकालूंगा, फिर देखते हैं क्या किस तरह से उसको समझ पाते हैं। जैसे कि मैंने एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, 2+3 आ गया। ठीक है, मैंने आपसे कभी इसका कंजुगेट निकालो, जो मैंने ट्रिक बता रखी उसको फॉलो किया, जेड का बार, उस पूरे का बार, इसका बार निकालते क्या जाएगा, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट से होता है, तो जेड का बार किसके बराबर गया, 2-3 आयोटा आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, 2, 3 को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2, -3। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में पॉइंट है 2, 3, इसके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है 2, -3, इसके रिस्पेक्ट में 2, -3, तो इट इज इमेजिनरी पार्ट बेटा -3 के बराबर है। ठीक है, अच्छा ये 2, 3 आ गया, यहाँ पे 2, -3 आ गया। ठीक है, अगर मैं चेक करूं भाई, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये पॉइंट चेक करो, 2, 3 तो पॉइंट क्या आ गया, 2, 3 ये पॉइंट चेक करो, 2, -3 -1, -2, -3 तो ये पॉइंट क्या आ गया, 2, -3 मतलब इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 2, 3, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसा, जो कंजुगेट निकला 2, -3 आ गया, मैंने दोनों पॉइंट प्लॉट कर दिए।
अब इन दोनों पाइंट्स को आगे प्रोड्यूस कर दें, टू में से पास होते हुए जाएगा और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो 2.3 पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो 2.3 गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट थे और 2.-3 जो कंजुगेट निकला उसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 के बराबर। ये डिस्टेंस भी कितना है, 3 के बराबर, समझ गए, ठीक है। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है बेटा, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है। इसी तरह से जो इस पॉइंट की इमेज बनती है, मान लो ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट की इमेज कहां बनती है, पी डैश बनती है, जो किस मिरर, ये मिरर का काम कर रहा है, एक्स एक्सिस किसका काम कर रहा है, मिरर का। तो ये डिस्टेंस जो ये जो पॉइंट है पी डैश, ये पी डैश पॉइंट इस एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है, ये पी पॉइंट इस एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है, ठीक है। तो दोनों पी और पी डैश दोनों ही एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये x एक्सिस जो है एक तरह से मिरर का काम कर रहा है, तो ये पॉइंट जब इस मिरर के, ये पॉइंट अपने आप को जब इस मिरर में देखता है तो इसकी इमेज बनती है p डैश, इस मिरर के अंदर की तरफ बनती है। और ये p पॉइंट जितनी दूरी पर है उसकी इमेज भी x एक्सिस से उतनी दूरी पर बननी चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कंजुगेट की डेफिनेशन ऐसी दी गई कि भाई जब हम अगर हम चेक करें तो इसकी इमेज अगर ये p डैश बनती है तो बदलाव किस पे होता है, चेंज किस किस में आया, x वाले पॉइंट में कोई चेंज नहीं आता है, तो चेंज किस में आता है, y वाले पॉइंट में आता है, क्योंकि ये पॉइंट किसके पैरेलल चलता है, y एक्सिस के क्या पैरेलल चलता है, तो चेंज किस में आएगा, y वाले पॉइंट में आएगा। इसलिए जब हम इसका कंजुगेट निकालते हैं, तो इसके इसका जब कंजुगेट निकालते हैं तो जो y वाला पॉइंट है जिसे हम इमेजिनरी का पॉइंट बोलते हैं, इमेजिनरी वाला पॉइंट, उसमें ही चेंज करते हैं, बाकी किसी में चेंज नहीं करते, क्योंकि बाकी किसी में चेंज होता ही नहीं, रियल पार्ट अजीब से रहता है, रियल पार्ट में कोई बदलाव नहीं होता, x वाले पॉइंट में कोई बदलाव नहीं होता, 2 में कोई बदलाव नहीं हुआ, 3 में चेंज हुआ, 3 प्लस का था वहां जाके माइनस का हो गया, ठीक। इसलिए इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या जाएगी, 2-3 आ जाएगा। तो इस डेफिनेशन से हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है बेटा। बस आज के लिए इतना ही बहुत है, ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, बाकी बाद में।